नमस्कार, मैं लाजवंती पारवानी, GWPC अजमेर से। हमारे टॉपिक टाइप्स ऑफ ओनरशिप यानी कि स्वामित्व के प्रकार के अंतर्गत मैं आपको सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी कि सार्वजनिक उपक्रम। आज मैं पब्लिक एंटरप्राइजेस के कौन कौन से प्रकार होते हैं और उन प्रकारों के क्या विशेषताएं हैं, उनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये सारा बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सार्वजनिक उपक्रम यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस होता क्या है। ये वे उपक्रम होते हैं जिनकी स्थापना सरकार द्वारा जनहित में सरकारी कोष से धन प्रदान करके की जाती है। सार्वजनिक उपक्रम से आशय ऐसे औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रम से है जिसका स्वामित्व, प्रबंध, संचालन तथा नियंत्रण केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय तथा राज्य सरकार या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन होता है। दूसरे शब्दों में सार्वजनिक उपक्रम से तात्पर्य ऐसे औद्योगिक व वाणिज्यिक उपक्रम से है जिसका प्रबंध अथवा स्वामित्व या दोनों ही सरकार के हाथ में है तथा समस्त क्रियाओं की देखरेख उसके द्वारा की जाती है। यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस जो है उन पर सरकार का आधिपत्य ज़्यादा होता है। कुछ कुछ की तो सरकार द्वारा ही पूरी तरीके से है ना स्थापना की जाती है। तो इसके अलग अलग टाइप के फॉर्म्स हैं सार्वजनिक पब्लिक एंटरप्राइजेस में। कुछ में क्या होता है कि कम्प्लीटली जो होता है वो सरकार के हाथों में होता है, चाहे उसका प्रबंध हो, चाहे उसका संचालन हो, और उसका उसको जब बनाया गया होता तो वो भी वैसे बनाए गए तो सारे उपक्रम सरकार के तहत ही होते हैं। और कुछ है ना एंटरप्राइजेस पर केवल ना सेंट्रल गवर्नमेंट का ओनरशिप होती है, किसमें ना केवल स्टेट गवर्नमेंट की होती है, और किसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कंबाइनली होती है, और कोई कोई किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को के हाथों में दे दिए जाते हैं, और किसी का मतलब मैनेजमेंट उस कंपनी के द्वारा ही संभाला जाता। तो इस प्रकार उसको अलग अलग फॉर्म्स में रखा गया है। तो अब हम देखते हैं कि इसके प्रारूप कौन कौन से हैं ना सार्वजनिक उपक्रमों के प्रारूप। ठीक है, तो ये है, सबसे पहला है विभागीय उपक्रम यानी कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है सार्वजनिक निगम यानी कि पब्लिक कॉरपोरेशन। और तीसरा है सरकारी कंपनी यानी कि गवर्नमेंट कंपनी। अब हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विभागीय उपक्रम। इस प्रकार के प्रारूप में संपूर्ण प्रबंध, नियंत्रण, वित्तीय प्रबंध आदि सरकार के हाथों में होता है। इस प्रकार के संगठन का सर्वे सर्वा संबंधित मंत्री ही होता है। साधारणतः इस प्रकार के उपक्रम लाभ कमाने की दृष्टि से नहीं चलाए जाते हैं। इस प्रकार के प्रारूप का चुनाव ऐसे उद्योगों को चलाने के लिए किया जाता है जिसमें गोपनीयता आवश्यक है। दूसरे शब्दों में सुरक्षा संबंधी उद्योग, सार्वजनिक उपयोग के उद्योग, सैनिक महत्व के उद्योग का संचालन इस प्रकार के संगठन द्वारा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रेलवे डिपार्टमेंट है, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, एंड डिफेंस डिपार्टमेंट है यानी कि रक्षा विभाग है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि ये कम्प्लीटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट होते हैं। इसका सब कुछ सरकार के हाथों में होता है, और इसका जो सर्वे सर्वा होता है, जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है उसका मिनिस्टर होता है। ठीक है, जैसे कि रेलवे है तो रेलवे मिनिस्टर इसका सर्वे सर्वा होगा, उसके अंतर्गत भी जो मतलब सारा पूरा डिपार्टमेंट है। तो ये और ये डिपार्टमेंट लाभ कमाने की दृष्टि से नहीं होते, ये केवल पब्लिक सर्विस से होते हैं। और इन डिपार्टमेंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट गोपनीयता आवश्यक है। तो जो रक्षा विभाग वगैरह है यानी कि डिफेंस डिपार्टमेंट है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगी, तो ये भी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस वगैरह है, ये भी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस की, इसमें है एक तो इनका सरकारी स्वामित्व नियंत्रण होता है यानी कि कम्प्लीटली जो है गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, उसी का ही कंट्रोल होता है। और ये क्या है, पब्लिक सर्विस के उद्देश्य से ही है ना इनका निर्माण किया जाता है।
और इनका जो फिनेंस का जो है वो पूरी राजकोष से ही इसकी व्यवस्था की जाती है, जो भी सरकारी खजाना है वहीं से इसकी उसको इसका फिनेंस उपलब्ध कराया जाता है। और ये कम्प्लीटली ये जो डिपार्टमेंट है जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, इनकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है और इसमें नौकरशाही प्रबंध होता है, यानी कि सरकार द्वारा चुने हुए लोग जो ना रिक्रूट किए जाते हैं सरकार द्वारा, वे इसका प्रबंध संभालते हैं। जो अफसर चुने जाते हैं जैसे कि हमारे आईएएस ऑफिसर होते हैं, आरएसओ, तो ये इनको संभालते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम नौकरशाही प्रबंध, यानी सरकार द्वारा चुने गए लोग इसमें नौकरी पर रखे जाते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के? तो सबसे पहला इसका एडवांटेज है सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस की इसमें किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये पूरा सरकारी बजट से ही इसके वित्त का प्रबंध किया जाता है और इसके द्वारा कमाया गया पैसा सरकारी खजाने में ही जाता है। यानी कि जो जैसे रेलवे मिनिस्ट्री है, जो भी रेलवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो उनके डिपार्टमेंट की जो सरकारी नौकर रखे गए हैं, मतलब इन द सेंस कि जो उसकी सरकार द्वारा ना रेलवे द्वारा जो रिक्रूटमेंट किया गया है, जो उनकी जो सैलरी वगैरह है और जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ट्रेन्स वगैरह बन रही हैं, तो इसके लिए जो जो भी योजनाएँ चलाई जा रही, तो इसके लिए वित्त का प्रबंध जो होता है वो सरकारी बजट से किया जाता है और रेलवे जो भी अपना पैसा कमाती है वो सारा सरकारी खजाने में जाता है। ऐसे ही डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए भी पूरा बजट जो है वो सरकार द्वारा ही तैयार दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें सेकेंड इसका ना एडवांटेज है डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, सीधा सरकारी नियंत्रण। चूँकि इसमें सरकार का सीधा नियंत्रण होता है, अतः गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अफसरों द्वारा इसका प्रबंध किया जाता है, यानी कि उसमें सरकार का ही सीधा नियंत्रण है, तो सरकार द्वारा चुने गए ही जो अफसर हैं उनके द्वारा ही इस डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट संभाला जाता है। सीधा सरकारी नियंत्रण होने से क्या लाभ है? देखो, सीधा सरकारी नियंत्रण होने से इस प्रकार के संस्थान आसानी से आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं और ना सार्वजनिक उपयोगिता वाले तथा रक्षा विभागों के लिए उपयुक्त हैं इस प्रकार के विभाग, और अधिक रेवेन्यू देने वाले विभागों के लिए और सारे जन उपयोगी विभागों के लिए ये इस प्रकार के डिपार्टमेंट्स उपयुक्त रहते हैं और वो सारे डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट और अंडरटेकिंग के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं क्या बेनिफिट है कि कंप्लीट है इसमें सीक्रेसी रहती है, ठीक है, क्योंकि सरकार के हाथ में, सरकार के मिनिस्टर इसमें कंप्लीट सीक्रेसी बनाए रखते हैं, जैसे कि हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो इस प्रकार के विभागों में गोपनीयता बनी रहती है, कोई भी जानकारी लीक नहीं होती है, अतः ये रक्षा मंत्रालय जैसे आदि विभागों के लिए उपयुक्त हैं। इससे सरकारों के अंतर्गत की उपयोगिता, वही डिपार्टमेंट उपयोगी है मिनिस्ट्री कंट्रोल के, इसमें क्या होता है इसके अंतर्गत, मतलब एक चीज़ ये भी होता है कि जो पब्लिक का जो पैसा है उसका मिसयूज़ नहीं होता है, ठीक है। अब हम ये तो हमने क्या देखे इसके एडवांटेजेस, अब हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस पहला हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक में देखा था कि इसमें नौकरशाही प्रबंधन होता है, यानी कि ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल होता है। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल मैंने अभी पहले भी बताया था कि इसमें जो सरकार द्वारा चुनी गई अवसर इसका पूरा देखरेख करते हैं, ठीक है। तो सरकारी अफसर क्या करते हैं, वो जो सरकार द्वारा पेपर आए हुए हैं उन्हीं के हिसाब से पूरी निश्चित प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए ही कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है कई निर्णय देरी से होते हैं और कई अच्छे अवसर जो हैं, कई जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो विभाग के हाथ से निकल जाती हैं। और ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इस जटिल प्रक्रिया होती है, वो सारी जो होती है ये सारे रूल्स और रेगुलेशन से ही कार्य कर पाती है, और जिससे कि क्या होता है आवश्यक समय समय पर जो आवश्यकता होती है जिन मॉडिफिकेशंस की, इनोवेशंस की, वे नहीं हो पाती है। आप मतलब समझ गए ना कि भाई देखो, चूँकि सरकार द्वारा चुने गई अफसर इसमें आए हैं, तो वो क्या करते हैं एक बिल्कुल जो सेट प्रोसेस है उसी को ही फॉलो करते हैं कि जो पेपर आया है उसी पे ही काम करना है। तो इससे क्या होता है कि पूरी प्रक्रिया इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है, इस पूरी प्रक्रिया में कई डिसीजंस लेने में देरी हो जाती है और कई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से छूट जाती है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और ये ऐसे इतने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, तो इनको फॉलो करते करते जो आवश्यक जो इनोवेशंस चाहिए, टाइम टू टाइम जो नई टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट करनी है, जो मॉडिफिकेशन होने चाहिए कंपनी में, उसमें बहुत देर हो जाती है। और ऐसे ही हमारा इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज है, वो है लाल फीताशाही, यानी कि रेड टेपिज्म। ऑफिस
जो होते हैं सरकारी नियमों के, जो सरकारी ऑफिस होते हैं सरकारी नियमों के चलते शीघ्र व स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते हैं, जिससे कि वे हतोत्साहित होते हैं और पूरा तंत्र लाल फीताशाही का शिकार होता है। इसका मतलब ये है कि कई चीज़ें जो हैं, हमने पढ़ा रेड टेपिज्म का मतलब है कि कई जो फाइलें हैं वो सरकारी विभागों में अटकी ही रह जाती हैं, लाल बस्तों में अटकी ही रह जाती हैं और वे आगे बढ़ नहीं पाती हैं, और जिससे कि शीघ्र बिना निर्णय नहीं हो पाते और पूरा डिपार्टमेंट जो है वो लाल फीताशाही का शिकार होता है। नेक्स्ट हमारा इसमें डिसएडवांटेज है उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति असंवेदनशीलता, यानी कि इनसेंसिटिविटी टू कंज्यूमर्स नीड। तो इसमें क्या है कि लाभ का उद्देश्य व बाज़ार से प्रतियोगिता न होने के कारण इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस ग्राहकों की ज़रूरतों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका मतलब आप समझ गए ना कि जब चूंकि सरकारी डिपार्टमेंट, तो इसमें ये लाभ के उद्देश्य से नहीं खोले जाते, ये पब्लिक की सेवा के उद्देश्य से खोले जाते हैं, तो इनका क्या होता है कि मार्केट कंपटीशन बिल्कुल नहीं होता है। सरकार, आपने रेलवे का देखा है किसी से भाई कंपटीशन करते हुए? नहीं होता है। ऐसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ होता है, इसका कहीं से कॉम्पिटिशन है? नहीं है। डिफेंस मिनिस्ट्री का कॉम्पिटिशन है मार्केट में? नहीं है, क्योंकि ये पूरे सरकार द्वारा ही चला जाता है और ये देश की सेवा के लिए और जन सेवा के लिए ही खोले जाते हैं। तो इन उद्देश्यों के न होने के कारण क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनोवेशंस नहीं करते हैं और ग्राहकों की ज़रूरतों पर ध्यान नहीं देते हैं, वो केवल सरकारी आदेशों के तहत कार्य करते चले जाते हैं। तो वो इनसेंसिटिविटी होती है उनकी कंज्यूमर्स की आवश्यकताओं के प्रति। तो इस प्रकार ये हमारा क्या था, पूरा कंप्लीट हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, यानी कि विभागीय उपक्रम है ना, जो कि कंप्लीटली सरकार द्वारा ही चलाया जाता है और सरकार द्वारा ही इसको नियंत्रित किया जाता है और सरकार द्वारा ही इसको खोला जाता है, और इसके अफसर जो है बिल्कुल सरकार की टू द पॉइंट उन पेपर्स पर ही कार्य कर पाते हैं, वो अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो थे इसके हमने एडवांटेजेस भी देखे, डिसएडवांटेजेस भी देखे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन सार्वजनिक निगम, यानी कि पब्लिक कॉरपोरेशन। तो सार्वजनिक निगम वह संगठित संस्था है जिसका निर्माण विधान बनाने वाली सभा द्वारा होता है, जिसके निश्चित अधिकार तथा कार्य होते हैं और जो वित्तीय मामलों में पूर्ण स्वतंत्र होती है। मतलब कि ये जो पब्लिक कॉरपोरेशन है ये एक ना विशेष एक्ट द्वारा गठित किए जाते हैं, विधान बनाने वाले के विशेष अधिनियम द्वारा इनको गठित किया जाता है, और इसमें क्या होता है कि इनको जो ये कॉरपोरेशन्स बनाए जाते हैं सार्वजनिक कॉरपोरेशन, इनको फिनेंशियल ऑटोनॉमी होती है, यानी ये वित्तीय वे और कई डिसीजंस लेने के मामले में पूर्ण तरीके से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन ये बनाए सरकार द्वारा ही जाते हैं। इनका गठन जो है ये ना सरकार द्वारा एक विशेष अधिनियम के तहत इनका गठन किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देखते हैं कि सार्वजनिक निगम बहुत कुछ संयुक्त पूंजी कंपनी से मिलता जुलता होता है, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी से। अंतर केवल इतना होता है कि सार्वजनिक निगम की स्थापना जो है संसद के विशेष अधिनियम के अंतर्गत ही की जाती है, यानी कि इसकी जो स्थापना सरकार द्वारा की जाती है और एक विशेष अधिनियम द्वारा की जाती है। बाकी ये क्या होता है, कुछ कुछ जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसे ही होते हैं, ये भी मार्केट में अपने शेयर्स वगैरह लगाते हैं और पूंजी इकट्ठा करते हैं, और निगम के किसी भी कार्य के लिए सरकार को इसमें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है और ना ही सरकार पर दावा किया जा सकता है। सार्वजनिक निगम कोई भी कार्य करे इसके लिए सरकार को हम इस पर रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराते हैं, और निगम के लिए वैधानिक रूप से आवश्यक नहीं है कि वह अपनी नीति निर्धारण करने व अधिकारियों की नियुक्ति करने में सरकार की सलाह ले। तो सार्वजनिक निगम बनाया तो सरकार के द्वारा ही जाता है, पर इनके ये ना ज़रूरी नहीं है कि जो अपनी जो पॉलिसीज़ को डिसाइड करता है और जो अपने रिक्रूटमेंट करता है उसमें वो सरकार की सलाह ले। तो इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, औद्योगिक वित्त निगम यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आपने FCI सुना होगा, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ना, और राष्ट्रीय वस्तु निगम, जीवन बीमा निगम, आपने LIC सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये हैं तो सरकार द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन इनको कुछ स्वतंत्रताएँ दी हुई होती हैं, ये रिक्रूटमेंट भी अपने हिसाब से करते हैं और ये कुछ अपनी पॉलिसीज़ का डिसीजंस भी अपने हिसाब से लेते हैं, और ये फिनेंशियल मैटर्स में भी कुछ कुछ स्वतंत्रता इनको हासिल होती है, पर ये होते सरकारी है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं
इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं इम्पॉर्टेंट, इसकी विशेषताएँ है ना। तो इसमें सबसे पहला है आंतरिक स्वराज्य यानी कि इंटरनल ऑटोनॉमी। तो इसमें सार्वजनिक निगम उनके आंतरिक प्रबंध से संबंधित मामलों में स्वतंत्र होते हैं, प्रबंध बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा देखा जाता है, जिन्हें प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वतंत्रता होती है। दूसरा है इसमें फिनेंशियल ऑटोनॉमी यानी कि वित्तीय स्वतंत्रता। इस प्रकार के निगम सरकार द्वारा दी गई पूंजी का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं तथा इन्हें अपने शेयर्स व बॉन्ड पब्लिक में इशू करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है लाभ का उद्देश्य न होना यानी कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव। यानी इस प्रकार के संस्थान जो होते हैं सही उचित मूल्यों पर अच्छी क्वालिटी का सामान प्रोवाइड कराते हैं क्योंकि सरकारी नीतियों के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। अब चूंकि इनका क्या होता है कि प्रॉफिट मोटिव नहीं होते हैं ये, है ना, ये सरकार द्वारा ही खोले जाते हैं और ना जनसेवा के उद्देश्य से ही खोले जाते हैं, तो ये उचित मूल्यों पर अच्छी क्वालिटी का सामान प्रोवाइड कराते हैं और क्योंकि ये सरकार की नीतियों के अंतर्गत ही कार्य कर रहे होते हैं और इनकी क्या होती है जनता के प्रति जवाबदेही होती है क्योंकि इन डिपार्टमेंट्स की ऑडिट होती है CAG द्वारा, है ना, और वार्षिक रिपोर्ट और ये अकाउंट जो इनको अपने पार्लियामेंट में पूरे प्रस्तुत करने होते हैं। जब भी होता है पार्लियामेंट में वो सत्र बुलाया जाता है तो उनको अपनी पूरी वार्षिक रिपोर्ट्स और अकाउंट जो है पब्लिश करने होते हैं, तो ये उपक्रम जो होते हैं जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। अब इसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं, तो हमने देखा कि इस प्रकार की संस्थाएं क्या होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं क्योंकि इनको निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है, इंटरनल ऑटोनॉमी होती है और ना इसमें ना बनाया तो ये सरकार द्वारा जाता है पर कुछ कुछ और ये इसलिए अपने क्या अमेंडमेंट भी कर सकते, मतलब वो अपने रिक्रूटमेंट खुद कर सकते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं, तो ये किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए बहुत आवश्यक होता है। और इस प्रकार की संस्थाएं शीघ्र निर्णय लेने में सक्षम होती है क्योंकि इनके दैनिक प्रबंध के कार्यों में संसदीय कार्रवाई का भय नहीं होता, इनके डे रूटीन के जो कार्य हैं उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो ये क्या होते हैं शीघ्र निर्णय ले सकते हैं। इसके बाद ये संस्थाएं पूंजी का अधिक स्वतंत्रता से उपयोग कर सकती है, हमने डिस्कस कर ही लिया कि फाइनेंशियली ऑटोनॉमी होती है, और इस प्रकार की संस्थाओं के निदेशक अनुभवी व बहुत सक्षम होते हैं क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि ये ना मतलब बकायदा पोस्ट निकलती है इनके डिपार्टमेंट द्वारा, फिर ये प्रमोशन से बनते हैं, तो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो उनको कंप्लीट एक्सपीरियंस होता है और वो बहुत कैपेबल होते हैं क्योंकि ये बकायदा जो पोस्ट निकली हुई होती है उनमें वो एग्ज़ाम क्लियर करके आए हुए होते हैं और ऊपर की पोस्टों को प्रमोशन लेकर जाते हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है और बहुत सक्षम भी होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं पब्लिक कॉरपोरेशन के यानी कि सार्वजनिक निगम के। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, चूँकि ये क्या है पब्लिक कॉरपोरेशन संसद के किसी विशेष अधिनियम द्वारा गठित किए जाते हैं, अतः ये कॉरपोरेशंस अपने किसी भी एक्ट के नियमों में संशोधन चाहते हैं तो उन्हें बहुत समस्या आती है और बहुत समय लग जाता है। देखो पेपर वर्क इनमें बहुत ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि ये विशेष अधिनियम द्वारा किए जाते हैं, तो उनको कोई भी अगर अमेंडमेंट करना है, कोई भी अपने एक्ट में ये संशोधन चाहते हैं तो उनको बहुत समस्या आती है, उनको पहले वहाँ ना पूरा पेपर वर्क प्रॉपर चैनल से भेजना पड़ता है, फिर वहाँ पे वो संसद में जो चीज़ें पास होती हैं बिल पास होता है फिर जाके वो चीज़ होती है, तो गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है इस चीज़ पे, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो चूंकि इन कॉरपोरेशंस की कार्यप्रणालियों में मंत्रियों का, सरकारी अधिकारियों का व राजनेताओं का इंटरफेरेंस रहता है, अतः इन कॉरपोरेशंस की स्वायत्तता व लचीलापन केवल कागजों पर ही सीमित रह जाता है और उनसे इन कॉरपोरेशन की कार्यप्रणाली बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और कंपनी का घाटा बढ़ने लगता है। देखो हमारे जैसे ये कई सारे कॉरपोरेशंस हैं, जैसे ना FCI है और ये सब चीज़ें हैं तो गवर्नमेंट के ही, इन पे क्या होता है कि मिनिस्ट्री जो इसका कंसर्न मिनिस्टर है या कोई अधिकारी है इनका इंटरफेरेंस रहता है, तो समटाइम्स जो इनको जो दे रखा है इनको तुमको मना भाई इंटरनल ऑटोनॉमी है, आंतरिक स्वराज्य प्राप्त है, तुम लचीली संस्था है और डिसीजंस ले सकते हो, पर ये केवल समटाइम्स क्या होता है कभी कभी कि कागजों पर ही सीमित रह जाता है और इससे क्या हो जाता है इनकी वर्किंग बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, वो प्रेशर में आ जाता है और कंपनी क्या होता है लॉस में जाने लग जाती है। और इसका डिसएडवांटेज है कि पब्लिक कॉरपोरेशन का एकाधिकार
कॉन्फ्लिक्ट होता है मार्केट में ना, और मार्केट में उनका कोई प्रतियोगी नहीं होता, जिससे कि वे अपने शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। और इसके साथ ही वे इस प्रकार की कंपनियां बाजार में प्रतियोगिता ना होने के कारण नई तकनीक व प्रोसीजर्स को अडॉप्ट नहीं करती हैं, और इस तरीके से वे एकाधिकार का दुरुपयोग करती हैं। देखो इसका क्या मतलब है कि चूँकि अब देखो सरकारी कंपनी से LIC हो गई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गई, ये तो हैं सरकारी, तो लोगों के दिमाग में तो कि हाँ ये गवर्नमेंट कंपनी तो अच्छी है, तो और गवर्नमेंट अधिकारी को कभी भी मार्केट में अपना कंपटीशन नज़र नहीं आता, क्योंकि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता है ना। तो इससे उससे क्या होता है कि चूँकि इनको लगता है कि ठीक है हम गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं तो हमारी कंपनी बेस्ट है, हमारा कोई वैसे प्राइवेट सेक्टर से लेना देना नहीं है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। तो इससे क्या होता है कि वो नई टेक्निक्स और प्रोसीजर्स को अडॉप्ट नहीं करते हैं, और इस तरीके से वे अपनी मोनोपोली का दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, और चूंकि पब्लिक कॉरपोरेशंस को बहुत सारी वैधानिक कार्रवाई से जोड़ना पड़ता था, ये कॉरपोरेशंस केवल बड़े उद्योगों के लिए ही उपयुक्त रहते हैं, चूँकि विशेष अधिनियम द्वारा चलाया जाता है, पूरा पेपर वर्क होता है, तो ये केवल बड़े उद्योगों के लिए ही उपयुक्त हैं। आपने देखा होगा इस जो हमने एग्जांपल्स बताए वो सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि सार्वजनिक निगम क्या होता है, इसके लाभ क्या हैं और इसकी हानियाँ क्या हैं। अब हम देखेंगे तीसरा फॉर्म इसका, गवर्नमेंट कंपनी यानी कि सरकारी कंपनी। तो सरकारी कंपनी क्या होती है, यह भी एक प्रकार की क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी ही होती है। सरकार के स्वामित्व होने के कारण इन कंपनियों को सरकारी कंपनी कहा जाता है। गवर्नमेंट कंपनी से आशय उस कंपनी से है जिसमें 51% शेयर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पास हो। इसके जो शेयर्स हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही इशू किए जाते हैं। और इस प्रकार की कंपनी के एग्जांपल कौन कौन से हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी कि HMT, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड HAL, द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि SAIL SAIL। ओके, तो ये क्या है, देखो गवर्नमेंट कंपनी एक तरह प्रकार की जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ये भी अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है और इसमें शेयर होल्डर्स होते हैं बकायदा। अब इसमें क्या है, सरकारी स्वामित्व होने के कारण कितना परसेंट होना ज़रूरी है सरकार के पास, मैंने साफ लिखा है इसमें कि 51% अगर शेयर सरकार के पास है और बाकी जो बचे हुए जो शेयर्स हैं 49% वो किसी प्राइवेट लोगों के हाथ में, प्राइवेट फर्म के हाथ में, तो 51% शेयर्स के सरकार के हाथ में होने के कारण ये गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है और इसका स्वामित्व जो है सरकारी कहलाता है। तो ये सरकारी कंपनी कहलाती है जिसके शेयर्स जो हैं वो सरकार राष्ट्रपति के नाम से ही इशू किए जाते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है, इस प्रकार के कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपनी एक्ट के अंतर्गत किया जाता है। यह एक पृथक वैधानिक संस्था है, जैसे हमने पढ़ा था जॉइंट स्टॉक एक डिफरेंट लीगल एंटिटी है, इसका अलग मतलब इसके लोगों का अलग अस्तित्व है और इसकी संस्था का अलग अस्तित्व है, वैधानिक व्यक्ति की तरह काम होता है। और इसका स्वामित्व क्या होता है, या तो पूरी तरीके से सरकार में हाथ में होता है या कुछ भाग प्राइवेट इन्वेस्टर्स के हाथ में होता है। आवश्यक रूप से इसके 51% शेयर्स सरकार के हाथ में होते हैं। इससे आप इसका पूरा डेफिनेशन समझ सकते हो कि भाई क्या होता है कि या तो कम्प्लीटली इट इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट, राइट, या होगा कि भाई इसका कुछ भाग प्राइवेट इन्वेस्टर के हाथ में होगा और कुछ भाग सरकार में। पर ये सरकारी कंपनी तभी कहलाएगी जब 51% शेयर सरकार के हाथ में हो, यानी तभी वो सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी कहलाएगी। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो किसी विशेष कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ही किया जाता हो। ठीक है, अब सरकारी कंपनी क्या है, सरकारी विभाग और मंत्रियों द्वारा ही इसका गठन किया जाता है, अतः संबंधित विभाग के लिए इस कंपनी की जवाबदेही बनती है। ठीक है, अब जैसे HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, ये बनाया सरकार द्वारा ही जाता है, उससे जो संबंधित विभाग है वो उस जो HAL की जवाबदेही है वो इस कना डिपार्टमेंट के प्रति बनेगी। जो हमारा सरकारी विभाग है उसका जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है उसके प्रति इस कंपनी की जवाबदेही बनती है। ठीक है, क्योंकि वो उस विभाग के मंत्रियों द्वारा ही इसका गठन किया जाता है। और इस प्रकार की कंपनी के कर्मचारी सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं, अतः इसके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं कहलाते। ये कंपनी सरकारी होती है पर इसका कोई भी कार्य जो है सरकार द्वारा नहीं किया जाता है, तो इसके जो कर्मचारी है वो सरकारी कर्मचारी भी नहीं कहलाते। इनकी नियुक्ति भी गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं की जाती है, ये बना अपने आप ही अपने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं। और इस प्रकार की कंपनी के दिन प्रतिदिन के कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है।
अब हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। इस प्रकार की कंपनी का गठन आसानी से किया जा सकता है क्योंकि इसके गठन में लंबी संसदीय कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है। एक विशेष अधिनियम सत्र बुलाया जाता है और एक एक्ट पास होता है और इस कंपनी की स्थापना कर दी जाती है, ठीक है। और इस प्रकार की कंपनी के अधिकार को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है और परिस्थितियों के अनुसार वे शीघ्र कार्रवाई करते हैं। चूंकि अब इसके अधिकारी सरकार द्वारा तो चुने हुए नहीं होते तो उनको निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है और परिस्थितियों के अनुसार शीघ्र कार्रवाई करते हैं। और ये कंपनियां फ्लेक्सिबल होती हैं, इनमें कंपनी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार धाराओं में परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है। और इसका मैनेजमेंट है जो प्राइवेट कंपनी की तरह ही होता है, अतः इनके अधिकारी ग्राहकों की आवश्यकताओं के लिए जागरूक होते हैं और इस प्रकार की कंपनियों में अधिक क्षमता से कार्य होता है। अब चूंकि मैंने बताया कि इनके जो रिक्रूटमेंट है और कोई भी कार्य है वो सरकारी नियमों के हिसाब से नहीं होता है, ये कंपनी अपने नियम खुद बनाती है, तो इसका जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट कंपनी की तरह ही होता है। तो ये जो कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट के लिए अवेयर रहते हैं और अधिक क्षमता से इन कंपनीज में कार्य होता है। अब हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। गवर्नमेंट कंपनी के डायरेक्टर्स को कंपनी का मैनेजमेंट संभालने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, इस प्रकार इनको जो मिली हुई अधिकाधिक शक्तियों से वे है ना से वह कंपनी की गतिविधियों पर आर्थिक कंट्रोल कम होने से वे कई सामान्य बातों को व जनहित को भी अनदेखा कर देखते हैं। देखो गवर्नमेंट कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं इसमें क्या उनको पूर्ण स्वतंत्रता मिली हुई होती है, उनको इतनी सारी पावर्स मिली हुई होती है तो वो समटाइम्स इसका मिसयूज़ करते हैं और कई जो जनरल बातें हैं वह सामान्य बातों को भी वो अनदेखा कर देते हैं। और नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट कंपनी के अधिकारी ना तो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं ना ही संसद के प्रति जवाब देते हैं, क्योंकि उनके आगे गवर्नमेंट का ठप्पा लग गया तो वैसे जनता से तो वैसे फ्री हो जाते हैं कि हाँ हम तो सरकारी हैं। और चूंकि इनका कोई भी कार्य किसी भी कार्य में ना संसदीय ना कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती तो ये संसद के प्रति भी जवाबदेह नहीं होते हैं, तो जिससे क्या होता है वो अपनी जिम्मेदारी से बचते रहते हैं और ऐसे कई निर्णय लेते हैं जो कि जनहित के विरुद्ध होते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्या है कि गवर्नमेंट कंपनी में मंत्रियों का अधिकाधिक इंटरफेरेंस होने से उसका मैनेजमेंट जनता के हितों के प्रति गैर जिम्मेदार होता है, चूंकि इसमें गवर्नमेंट का ठप्पा रहता है तो कंसर्न्ड जो मिनिस्ट्री है उनका इंटरफेरेंस इसमें रहता है जिससे कि उसका मैनेजमेंट गैर जिम्मेदार हो जाता है। और गवर्नमेंट कंपनी के डायरेक्टर गवर्नमेंट द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, जिससे कि अतः वह अपना अधिक से अधिक टाइम मंत्रियों को वो उच्च अधिकारियों को प्रसन्न करने में ही व्यतीत कर देते हैं, जिससे कि वे कंपनी के हितों की तरफ कम ध्यान दे पाते हैं। देखो गवर्नमेंट कंपनी के बाकी सारे जो अधिकारी वगैरह जो हैं वो तो वो अपने हिसाब से ना रिक्रूट करते हैं, लेकिन जो सर्वे सभा जो डायरेक्टर वगैरह होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही वहाँ पे नियुक्ति उसकी की जाती है, तो जिससे क्या होता है ये जो उच्च अधिकारी होते हैं वहाँ के मतलब जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो मिनिस्टर कंसर्न मिनिस्ट्री है और जो ना अदर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको वो प्लीज करने में अपना पूरा टाइम निकाल देते हैं, जिससे कि वो कंपनी पर ध्यान नहीं देते और ना तो कंपनी के हितों की तरफ ध्यान देते हैं। तो ये हमारी तीनों फॉर्म्स थी और हमने उसकी विशेषताएं देखी और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे। थैंक यू।